में, और हम इस वक्त मौजूद है शिल फाटा पर जमाल चाल के पास में। हम घूम घूम कर देख रहे हैं कि कहीं किसी को ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है मुमरा में, और ये शिल फाटा है जो थोड़ा हट कर इलाका है, तो इस वक्त हम मौजूद है जमाल चौल में शिल फाटा। यहाँ पर लोग अपने ही घरों में मिलजुल कर यहाँ पर खाना बना रहे हैं। और एक सवाल ये है कि जब सब लोगों के काम धंधे बंद है इस वक्त और लोगों के लिए कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो कब तक ये लोग मिलजुल कर इस तरह से बनाएंगे? ये भी एक सवाल है, और इनका कहना है कि इनसे पूछने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। एक तरफ लॉकडाउन, बाहर निकलो तो पुलिस डंडे बरसा रही है, वो ठीक है कि वो कानून है, लेकिन रोजी रोटी का बंदोबस्त कहाँ से करे इंसान? और जहाँ जब हम यहाँ पर आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत है इस चौल में, वो तो हर किसी का मसला यही है, माँ बाप भूखे रहने की सोचते लेकिन सोचते कि उनके बच्चों का पेट भरे। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं इस चौल के जो बताएंगे अपनी तकलीफ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू भाई है। हाँ भाई, यहाँ कोई नहीं आया पूछने के लिए। जो भी हम लोग कर रहे हैं, जिसके पास खाना नहीं है, हम लोग खुद ही मतलब हेल्प अपने आपस में टाउन करके मतलब खाना बनवा रहे हैं, इनको उनको भिजवा रहे हैं जिसके पास खाने का नहीं है। कितने दिन से कोई नहीं आया? ऐसे लॉकडाउन हुआ तब जब से से अभी तक लॉकडाउन आया हुआ तभी से कोई नहीं आया भाई। यहाँ कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ पे। जो तो आपने किसी को कांटेक्ट किया? कोई यहाँ आते ही नहीं पूछने के लिए, कोई आदमी दिखता ही नहीं। बाहर निकलो तो पुलिस डंडा मारती, तो किसको जाएंगे कांटेक्ट करने यहाँ को? के नगर सेवक हो गए, यहाँ का कोई एनजीओ, कोई कुछ कोई भी? नहीं आया भाई यहाँ। ना नगर सेवक आया, ना कोई एनजीओ आया, ना कोई कोई कोई, कोई प्रशासन का कोई आदमी, एक भी आदमी नहीं आया यहाँ हमारे से बात कोई करने। नहीं कोई आया? नहीं आया भाई। तो किसके में गेहूं है कि दाल है कि चाउर है, कोई नहीं पूछा? कोई नहीं या पूछने पूछा, नहीं आया? कोई कोई देखने नहीं आता? हाँ, कि कोई कोई देखने आते ही आता नहीं है सरकारी कर्मचारी वाले, कर्म कोई भी क्या? नहीं आया। कोई नहीं आया? और जिस तरह से मुमरा, पूरे मुमरा में जिस तरह से यहाँ के लोगों की शिकायत है कि ना कोई दाल तेल चावल कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया, जबकि मुमरा में देखा कोई पैकेट भी नहीं बट रहे यहाँ पर कुछ खाने नहीं के, कुछ बहेगा, भी नहीं कुछ बट नहीं, रहा। खाने का पानी नहीं बट रहा तो पैकेट कैसे बटेगा? जिस तरह से पूरे मुमरा शहर में, मैं उन तंजीमों से अपील है हमारी कि जो आप लोग पूरे मुमरा में पैकेट बांट रहे हैं, पूरे मुमरा में आप लोगों ने खाना, मैं यहाँ तक के देखा है कि मुमरा में बिस्किट तक बट रहे हैं, लेकिन एक इलाका शील फाटा भी ऐसा है यहाँ पर कि यहाँ पर भी लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों से अपील है हमारी कि जमाल चौल शील फाटा यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिए, और यहाँ का जो कोशिश करेंगे हम कि आप तक इसी तरह की तमाम इलाकों की खबरें पहुँचाते रहे, और जिस तरह से आप लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की वो बहुत बेहतरीन काम है, तो ज़रूरत है यहाँ पर भी लोगों का आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मौजूद है उस जगह पर जहाँ पर इस चौल के लोग मिलजुल कर खाना बनाते हैं, और हमारे साथ है रईस खान, कुछ कहना चाहते हैं ये? 3 से 4 लोग हैं हमने देखा सिर्फ यहाँ पर खाना बनाने वाले, और कितने घर होंगे रईस भाई इधर टोटल? यहाँ पे हम लोग 150 घर में खाना पहुँचा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये अपील करना था, मुझे खाना हम लोग को पहुँचाने में तकलीफ नहीं है। हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, हमारे सरवर भाई हैं, जो हम लोग को स्टार्टिंग में सपोर्ट किए, 4 गोनी चावल दिए, हम लोग उसी के जरिए से खाना बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो हम लोग खाना बांटने जाते हैं तो देखते हैं कहीं 25 आदमी, कहीं 50 आदमी, कहीं 20 आदमी जमा रहते हैं एक झुंड, तो ये कोरोना कैसे भागेगा ये बताइए? कोरोना कैसे भागेगा? हम लोग खाना बना के दे रहे हैं कि हम लोग चूतिया घर घर में खाना हम लोग पहुंचा रहे हैं, हम लोग क्या है ये मतलब हुआ ना? तो खाना जब आपके घरों में, जिसके घर में खाना नहीं बन रहा है उसी के घर में हम लोग खाना दे रहे हैं, जिसके घर में बन रहा है पूछ के देते हैं, भाई अगर खाना आपके घर में नहीं है तो आप नाम लिखा दीजिए, हम और सुब्रीन भाई मिलके खाना आप तक पहुंचाएंगे। हम लोग जैसे शुरू किए सरोवर भाई आलम की वजह से, हम लोग इनसे बात किए, इन्होंने 4 गुनी चावल भेजा, उसी टाइम से हम लोग शुरू कर दिए, अभी तक बंद नहीं किए। तो शिमला पार के कलाम भाई सपोर्ट किए, और नूरुल्ला भाई जो थाना से जो है चावल और लेके आए थे, उनको भी पुलिस वाले बाईपास पे जो है 3 डंडा मारे हुए हैं। राशन लेके आए, राशन भी दिखाए। तो भाई मैं चाहता हूँ जो राशन लेके आ रहे हैं हेल्प के लिए, उनको भाई पुलिस वाले प्लीज उनको मत मारे, कोई हेल्प कोई अगर मतलब सिस्टम से काम ना करे उनको मारे। ठीक है, ठीक है। तो ये रईस भाई हैं, इनका कहना है कि इन्हें ज़रूरत भी है, और बाहर से जो लोग ला रहे हैं खाना पुलिस उन पर भी डंडे बरसा रही है, तो पुलिस प्रशासन से ये शिकायत तो पुरानी हो गई है। तो अपील है उनसे कि अगर कोई राशन ला रहा है, कोई जेन्युइन रीज़न से आ रहा है, तो आपको चाहिए कि उन्हें डंडे ना मारें, आप उन पर कार्रवाई ना करें, पहले देखें क्या करें। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने एक बात कही सोशल डिस्टेंसिंग की, जो बात चल रही है कि जब घरों तक आपके खाना पहुँचा रहे हैं लोग, तो बराए मेहरबानी उनकी बात सुनिए, आप लोग इस तरह झुंड बना के मत खड़े रहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि अब तो कानून भी सख्त हो गया है कि जो कोई भी निकलेगा बाहर उससे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो बराए मेहरबानी मुमरा की आवाम से और यहाँ के इस इलाके के लोगों से भी हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी आप लोग बाहर ना निकलिए, और जिस तरह से लोग नहीं मान रहे हैं अब भी, तो इसके बाद अगर कुछ होता है तो अपने किए के जिम्मेदार वो खुद रहेंगे।